हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है देसी गेमर्स के बारे में। तो काफी दिनों से उनके सर्वाइवर टीम के प्लेयर एक साथ नहीं खेलते और आजकल एक्स मान्या भी सुदीप सरकार के साथ मिलकर खेलते हुए दिखे। तो इसके वजह से काफी लोगों को ये लगता है कि उनका ये टीम टूट गया, जिसके वजह से ये लोग एक साथ नहीं खेलते। तो इसके बारे में बात करते हुए देसी गेमर्स ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत जल्दी वो लोग फिर से एक साथ मिलकर खेलेंगे। तो उनका ये क्लिप आप लोग देख लीजिए। अभी टेस्ट कर रहा है, हम लोग किसी ने छोड़ा नहीं है, मान्या डिफरेंस प्लेयर्स को टेस्ट कर रहा है। हम भी खेलेंगे, डोंट वरी यार, कुछ टीम बिखरा नहीं है भाई, कुछ नहीं हुआ है। समय के साथ साथ चेंजेस जरूरी होता है, तो वही चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, सब परफेक्ट है भाई, खेलेंगे सब लोग एक साथ बहुत जल्द। हमारा अगला न्यूज है द गेम इन्फिनिक्स के बारे में। तो कल उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो यूट्यूब को छोड़ने वाले हैं, और ऐसा वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि उनके चैनल पे 500 के से ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी उनके वीडियोस में व्यू नहीं आते, और ऐसा हर दिन चलने के वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जब से उनके चैनल पे 3 स्ट्राइक आया था उसके बाद से ही उनके चैनल पे ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में कितना ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है, और हमें भी ये पता है कि एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में कितना ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है। तो आप लोग भी चाहे तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं जिससे उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले और वो यूट्यूब को ना छोड़े। तो आप लोग अगर उनके चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगला न्यूज है जिक्स ऑफिशियल के बारे में। तो हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने लोकेश गेमर और डायलन प्रोस के बारे में बात किया, और लोकेश गेमर ने जो बेजेस के मामले में डायलन प्रोस का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उसको पूरा कर नहीं पाए, उसके वजह से जिक्स भाई लोकेश गेमर के ऊपर गुस्सा हो गए। और इसके ऊपर जिक्स भाई ने यह कहा कि लोकेश गेमर ने ऐसा करके इंडिया का नाम खराब किया, क्योंकि सभी को पता है कि डायलन प्रोस इंडोनेशिया के हैं और लोकेश गेमर इंडिया के। तो डायलन प्रोस ने लोकेश गेमर को हराया, यानी कि इंडिया को हराया, और जिक्स भाई तब और ज्यादा गुस्सा हो गए जब लोकेश गेमर एक चैलेंज पूरा करने से पहले ही डायलन प्रोस को दूसरा चैलेंज दे दिया। तो इसके बारे में जिक्स भाई ने क्या कहा उसका एक क्लिप आप लोग देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये हमारे महाशय ने क्या कर दिया, कौन से चक्कर में क्या सोच के किया भगवान जाने। उन्होंने दे दिया खुला चैलेंज, वी विल बिकम फर्स्ट, आई विल बिकम फर्स्ट, ये फलाना ठिकाना, चलो ठीक है चैलेंज दे दिया, बैजिस का हम बैजिस में यहां पहुंचेंगे, ये करेंगे, कर नहीं पाए, वो हमारा तो सेकंड फर्स्ट पे वही है। अब हुआ क्या, अब वो बंदा इंडिया को क्रिटिसाइज करता है, उसके सब्सक्राइबर जो होंगे वो कमेंट में या कहीं ना कहीं इंडिया को पुअर, हाँ इंडियन यूट्यूबर पुअर, इंडियन प्लेयर्स पुअर, ये वो सब टैग करेंगे। अच्छा लगता है यार, ये देश की इज्जत अपने हाथों में होती है यार, ऐसी चीज़ें करो, ऐसी चैलेंज करो जो पूरी कर पाओ, करना था तो पूरा करो, पूरा करना था ना, आगे जाना था, जो बोला था वो करना था, बोला तो बोला, ऐसा हो रहा था। ये क्या कर दिया हमारा, बैग गया पानी में, दूसरी चैलेंज दे दी वर्सेस की। अरे भाई पहले वो तो पूरी कर ले मेरे भाई, उसके कारण कितने कमेंट आते हैं नेगेटिव इंडिया के बारे में, इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में, इंडियन यूट्यूबर्स एक के कारण सारे के पीछे तो नहीं टैग जुड़ना चाहिए ना भाई, इंडिया पुअर ये वो, भाई इंडिया पुअर नहीं, इंडिया बाप है सबका, वो जो कंट्री में बैठा है उस कंट्री को इंडिया 50 बार खरीद के सेल कर दे, इतनी ताकत है इंडिया में, इंडिया के इतने रिचेस्ट बंदे हैं भाई टॉप में, इंडिया पुअर नहीं, लेकिन ऐसी कोई छोटी चीज के कारण आज उनके छोटे सोच वाले बंदे उनके सब्सक्राइबर आज इंडिया को टैग करके ऐसा बोलेंगे सोचेंगे, अच्छा लगता है यार। और अघोरी गेमिंग को जो सिल्वर प्ले बटन मिला था उसको उन्होंने अपनी फैमिली को दिखाया, पर उनके फैमिली का इसके ऊपर ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था क्योंकि उनके फैमिली को ये पता नहीं था कि ये चीज क्या है। और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि वो अपने एरिया के पहला इतने बड़े यूट्यूबर है। तो इसके ऊपर उनके फैमिली का रिएक्शन क्या था उसका एक क्लिप आप लोग देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और कुलटेक गेमिंग ने कल अपना Q&A वीडियो अपलोड किया, और उसमें उन्होंने ये बताया कि वो अपना फेस्टिवल करेंगे जब उनका 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, और इसी के साथ उन्होंने अपना होम टूर का वीडियो भी अपलोड किया, तो उसका ये क्लिप आप लोग देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये है नहीं, बहुत ही छोटा सा घर है, तो चलिए दिखाते हैं अभी साइड से कैसा दिखता है हमारा घर। और ये देख लो ये खिड़की है, इसी खिड़की के पीछे जो हमारा जो रूम है अपना, तो ये देख लो जो साइड से गाइस हमारा घर इस तरह से दिखता है। हमारा घर बहुत ही छोटा मतलब घर है, हम लोग ज़्यादा मतलब हम हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, मुझे मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ मैं। तो इधर साइड की जो प्लास्टर है वो भी उखड़ चुकी है, और अंदर से इस तरह से मतलब बाहर से हमारा जो घर इस तरह से दिखता है। और बात करते हैं टू साइड गेमर्स के बारे में। तो काफी लोग उनके साथ चैलेंज वीडियो बनाते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, पर जब कभी कभार वो लोग किसी से हार जाते हैं तो लोग वो क्लिप निकाल के अपने चैनल पे अपलोड करता है और लिखता है हमने टू साइड गेमर्स को हरा दिया, पर जब टू साइड गेमर्स उनको हराते हैं तो वो लोग अपने हारने वाला क्लिप अपने चैनल पे अपलोड नहीं करते। तो इसी के बारे में बात करते हुए टू साइड गेमर्स ने ये कहा, प्रॉफिट ही नहीं है,
मेरा प्रॉफिट ही नहीं होता गाइस। हम लोग मतलब इतना ये होता है ना हमारे साथ जिंदगी में, हमारी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं होता। मैं लेजेंड, हम लोग 4v4 इतने स्क्वाड के साथ खेलते, जब सामने वाले स्क्वाड हारते तब भी वीडियो नहीं डालेंगे, तब भी नहीं। अब उनको एक दिन हमने तीन मैच हरा दिए 4v4 में, 7-2, 7-1, 7-0 से, ठीक है। अब एक दिन बाय चांस उन्होंने हमने 6-7 से हरा दिया, अब उनका कितना प्रॉफिट है, उन्होंने लेके डाल दी वीडियो TSG वर्सेस डैश डैश ई-स्पोर्ट्स। अबे भाई पिछली तीन हारी हुई वीडियो भी डाल दिया करो कभी, अलग ही लोग होते भाई। क्योंकि गाइस हम लोग खेलते ना, हम लोग प्रैक्टिस के लिए खेलते हैं 4v4 किसी भी स्क्वाड के साथ खेलते, तो मेन क्या होता है क्योंकि प्रैक्टिस के लिए अभी किसी के साथ भी खेले तो सामने वाला यही सोचता है कि भाई रिकॉर्ड करते इधर व्यूज है, भाई रिकॉर्ड फ्रेंडली बैटल होते भाई, उसमें हम नई नई ट्रिक्स ट्राई करते कभी कभी। गाइस जो भी 4v4 होता है ना, हम लोग उसमें कभी भी खुद की प्रैक्टिस के लिए कुछ हम न्यू स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी ट्राई करते उस गेम प्ले में, बट सामने वाले वीडियो भाई वीडियो बनाओ ठीक है। और हम इतने लोगों के साथ करते तो सबका वीडियो बना के हम लोग अपने चैनल पे नहीं डाल सकते कि इसको हराया उसको हराया उसको हराया, ऐसा हो भाई अपनी। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हाल ही में क्या हादसा हुआ है, तो इसी के ऊपर फ्री फायर के काफी सारे यूट्यूबर ने भी रिएक्ट किया और इनमें शामिल है टोटल गेमिंग, देसी गेमर, प्रो नेशन और TGB। तो ये हमारा गेमिंग चैनल होने की वजह से हम लोग यहाँ पे आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा ही सीरियस मैटर है, पर आप लोग इसके बारे में यूट्यूब में देख सकते हो। अगला न्यूज स्काईलॉर्ड के बारे में, तो कल उन्होंने अपने चैनल पे एक कमेंट्री पोस्ट किया जिसमें लिखा था कुछ बड़ा कुछ नया, तो इसको देख के ये लगता है कि वो शायद अपने चैनल पे कुछ नया ट्राई करेंगे या फिर हो सकता है कि वो इसके जरिए किसी को कुछ बोला हो। पर आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या हो सकता है? और इसके साथ ही कल उन्होंने अपने इंस्टा पे अपना PC का सेटअप भी दिखाया और आज रात 9 बजे से वो अपने चैनल पे लाइव भी करने वाले है। और हर साल पूरे दुनिया में स्पोर्ट खेलने वालों को कई सारी कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, तो इस बार इस अवार्ड के मोबाइल प्लेयर ऑफ द ईयर में 7 प्लेयर नॉमिनेट हुए हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, और इसमें से एक है नोब्रो जो ब्राजील के फ्री फायर प्लेयर है और एक है मोर्टेल जो इंडिया के PUBG प्लेयर है जो आजकल फ्री फायर भी खेलते है। तो आप लोग इन दोनों में से किसको सपोर्ट करेंगे कमेंट करके बताइए। और कुछ दिन पहले जो स्काउट का चैनल हैक हो गया था वो अभी उनको वापस मिल चुका है, और इसके दौरान जिन्होंने उनको इतना ज्यादा सपोर्ट किया था उन सभी को उन्होंने थैंक्स किया। अगला न्यूज है क्रिटिकल एक्स के बारे में, तो रोकी भाई ने ये बताया कि अगर उनके Game.TV ऐप के CRX रॉकी गिल्ड में 1 लाख मेंबर होते हैं तो वो इंडिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके बारे में उन्होंने और क्या कहा देख लीजिए। जी गाइस रॉकी भाई अनाउंस कर चुके हैं, चुनौती ले चुके हैं रॉकी भाई, अगर रॉकी भाई के Game.TV वाले गिल्ड में 1 लाख मेंबर हुए तो रॉकी भाई करवाएंगे भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अगर आप देखना चाहते तो फौरन रॉकी भाई का जो गिल्ड है Game.TV का उसको ज्वाइन कीजिए, और ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं या Game.TV के लिए नहीं, आपको ज्वाइन करना है गिल्ड। बदले में आप खेल पाएंगे रोजाना के सोलो मैचेस जिसके इनाम है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पे भी आपको मिलेंगे वीकली पास। भारत का पहला गिल्ड वॉर सोलो टूर्नामेंट जिसमें आपको मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए का ग्रैंड प्राइज और 4 बड़े टूर्नामेंट्स। बुक माय शो Game.TV क्रिटिकल एक्स और हमारे Game.TV के स्क्रीन वॉर्स, कुल मिला के गाइस 5 टूर्नामेंट 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिसमें 10 लाख रुपए से ज्यादा के इनाम हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो TSG मन ने कंप्लीट कर लिया है 700 के सब्सक्राइबर, हैप्पी प्रिंस गेमिंग बॉस ने कंप्लीट कर लिया है 2 मिलियन सब्सक्राइबर और टोटल गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 13.5 मिलियन सब्सक्राइबर। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गाइस हम लोग 100K पे फेस्टिवल करेंगे तो जल्दी से आप लोग इसको कंप्लीट कर देना। तो ये था आज का कुछ न्यूज और कुछ अचीवमेंट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।